आज के वीडियो में हम आपको दर्शन करवाएंगे इन ऐतिहासिक दीवारों के। इन दीवारों के अंदर छोटे साहिबजादों को चिणकर शहीद किया गया था। अक्सर हम छोटे साहिबजादों की और माता गुजर कौर जी की शहीदी के बारे में पढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको इसी पावन स्थान के दर्शन करवाने वाले हैं जहां पर ये दीवारें आज भी मौजूद हैं, जिन दीवारों में छोटे साहिबजादों को शहीद किया गया था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना। तो संगत जी, आज हम पहुंचे हैं गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब पंजाब में सरहंद के पास है। इस पावन स्थान का इतिहास बहुत ही गहरा है। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर वहां से बाहर आए, तो उसके बाद जैसे मुगल फौज ने हमला पीछे से हमला किया और उसके बाद परिवार कई हिस्सों में बट गया। परिवार बटने के बाद गंगू ब्राह्मण छोटे साहिबजादों को और माता गुजर कौर जी को सरहंद के वजीर के पास पकड़वा देता है। तो ये वो स्थान है, यहाँ पर वो स्थान है जहाँ पर छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चिणा गया था। चिणने के बाद उन्हें शहीद कर दिया गया था। आइए इन दीवारों के दर्शन करते हैं। ये वही पवित्र स्थान है जहां पर बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी आयु 9 साल की थी, और बाबा फतेह सिंह जी, जिनकी आयु 7 साल की थी, उनको 13 पो नानक शाही कैलेंडर 236 के मुताबिक और 26 दिसंबर सन 1704 ईस्वी को इन दीवारों में चिणवा कर शहीद किया गया था। यह वही स्थान है, यहाँ पर पालकी साहिब सुशोभित है। इस वीडियो में हमने आपको दर्शन करवाए उस पावन स्थान के जहाँ पर छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिणकर शहीद किया गया था। अगले वीडियो में आपको दर्शन करवाएंगे ठंडे बुर्ज के, जहाँ पर छोटे साहिबजादों को और माता गुजर कौर जी को बंदी बनाकर रखा गया था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।